Good morning students. Welcome back to the new session of learning. We are doing business studies chapter number six and its name is staffing. It is one of the third function of management among among five. Okay, in the last video we had done all the uh, selection method and what is selection and difference between uh, sources of recruitment and and selection. इजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंप्लॉयिज पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो हियर लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ओके यू अंडरस्टैंड बाई ट्रेनिंग ठीक है मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूं ठीक है आप देखते हो कोई भी इंप्लॉई को एक काम दे दो ओके सपोज कटिंग का काम हम दे रहे हैं किसी इम्प्लॉय को ठीक है तो वो वुड तो कट कर लेगा ओके? Okay? वो वुड तो कट कर लेगा मिस्टेक इन स्पेलिंग, ठीक है वो उड़ तो कट कर लेगा बट विदाउट ट्रेनिंग वो ऐसे उड कट करेगा कि आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वही सेम एम्प्लॉई को अगर आप ट्रेनिंग दे देते हो तो वो एक ही बार में ऐसे उड कट कट कर, करेगा कि आपको वेस्टेज भी कम होगा और परफेक्शन आएगी ओके तो इसी को जानते हैं अभी हम लोग जानते हैं ट्रेनिंग क्या है एंड एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि अगर हम मान लो एक बड़ा राउंड को हम लोग बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट है हमारा क्या है this whole is called development <laughs> then training is just a part of development ठीक है तो मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग जो क्या है इज अ नैरो इन सेंस एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर इन सेंस ओके तो development include training itself okay training means equipping the employees with the required skills to perform the job training ka matlab hota hai ki ek kisi employee ko theek hai jitne bhi skills required hain usse वो, वो सब उसमें निखारना वो सब skills उसमें भरना ताकि वही same job को वो और effectively, efficiently without wastage कर सके ठीक है, कैंडिडेट आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो एक कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट uh, होने के बाद कुछ पीरियड के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है सो दैट दे कैन डू द सेम जॉब वही सेम जॉब को वो लोग एक्सपेक्टेड मैनर एक्सपेक्टेड मैनर मतलब कि जैसा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर जैसा आपका मैनेजर जैसा आपका बॉस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस तरह से आप उस जॉब को परफॉर्म करके दिखाओ दिस इज ओके? अभी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ रेफर हम लोग अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय uh, का ग्रोथ होना मतलब ऐसा ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उसके एक स्किल को डेवलप करना जो कि जरूरत है हमें जॉब के लिए okay? मान लो एक जो ट्रेनिंग है सॉरी uh, कैंडिडेट है वो टाइपिंग में उसको टाइपिंग का जॉब करना है ठीक है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे ताकि उसका जो टाइपिंग करने का जो ये है हैबिट है वो और अच्छा आए वो बहुत स्पीड uh, स्पीडली टाइप करे ओके बट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है ट्रेनिंग का मतलब है कि उसके बस एक स्किल को निखारना बट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना उसके हर एक फील्ड में उसको डेवलप करना ओके okay? इट फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग एज ट्रेनिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस डेवलपमेंट अगर आपका बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट होता है तो आप पर्सनल पर्सनली बहुत ग्रो करोगे और आगे जाकर के सक्सेसफुल करियर बना पाओगे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग से ज़्यादा डेवलपमेंट में फोकस करते हैं ठीक है और अब कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो डेवलपमेंट इज अ वाइडर इन कंसेप्ट वाइडर इन कंसेप्ट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ठीक है अब हम आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पहला तो है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंप्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू ओके

एज ए ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोलो तो कंपनी uh, कंपनी को क्या क्या फायदा होता है पहला है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम मतलब कि अगर वो एम्प्लॉ ट्रेंड है तो क्या हो जाएगा वो जॉब को बहुत जल्दी कैच uh, कर लेगा बोलो तो या तो फिर बोलो तो वो लेस टाइम में वो जॉब को कैसे करना है सीख लेगा ओके okay? तो इस तरह से क्या होगा लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा और एज़ कम्पेयर टू अन ट्रेंड एम्प्लॉयी और अनट्रेंड एम्प्लॉ का लर्निंग टाइम ज़्यादा होगा उस उसी जॉब को लर्न करने के लिए उसको बहुत सारे टाइम लग जाएंगे ओके ऐसे रिजल्ट देर इज़ लेस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हाई प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है बेटर परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस समझ ही रहे हो आप कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉई अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपेयर में अच्छा परफॉर्म करता है ओके okay? उसकी क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हो जाते हैं और एम्प्लॉय गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब बिफोर दे आर एक्चुअली असाइंड टू द जॉब मतलब जॉब में बैठने से पहले ही उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल जाते हैं जो कि जॉब को टैकल करने में उनको काम आता है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसके

इसका मतलब ये होता है कि एक एटीट्यूड का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब कि जो एम्प्लॉई है वो पॉजिटिव सोचते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो मोटिवेटेड होते हैं ताकि वो जॉब को इनिशिएटिव लेकर के मतलब आगे बढ़ करके किसी जॉब को खुद से लेना ठीक है ये सब सीखते हैं और एक अच्छा एटीट्यूड के साथ जॉब को कंप्लीट करते हैं ठीक है एड्स इन और इन हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम ठीक है व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज डिससैटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉईजLack of teamwork etc through the supervisory level training दिस ऑपरेशन प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड देखिए बहुत जब कोई एक जॉब परफॉर्म करता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होता है लाइक like एबसेंटिज्म मतलब आपका कोई एम्प्लॉय एबसेंट हो गया तो उसका भी काम आपको करना पड़ता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस डिसटिस्फैक्शन ऑफ इम्प्लॉयीज लैक ऑफ टीम वर्क ठीक है ये सारी चीज जब कोई इंसान ट्रेंड होता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड ऑल और उनका क्या हो जाता है वो हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो डे टू डे ऑपरेशन करने में और कंपनी को ऑपरेशन करने में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्वने सॉल्व करने में भी वो मदद करते हैं मैनेजिंग मैन पावर नीड सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेश टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल

ठीक है और उसको इतना ही ट्रेनिंग देते हैं कि उसको जो पर्टिकुलर उनको जॉब दिया जाता है उसको वो क्या कर सके हैंडल कर सके ठीक है तो ये जो ट्रेनिंग जो इनका लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम होता है ऑफ मैन पावर वो ट्रेनिंग के थ्रू सॉल्व हो जाता है हेल्प्स टू एडेप्ट चेंजेस आपको पता है कि डे डे बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं तो अगर कोई भी पीपल अगर ट्रेंड है तो वो सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ऑलरेडी रेडी रहता है ओके okay? तो इन दिस वे दीज ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट वी विल सी ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम इंप्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू पहला है बेटर करियर ऑप्शन बेटर करियर मतलब आप अगर ट्रेंड है तो डे बाय डे आप अच्छा काम करोगे तो आप अच्छे पोजीशन पे आपका ग्रोथ होगा प्रमोशन होता हुआ चला जाएगा ठीक है आप सक्सेसफुल मैन बन जाओगे ठीक है तो ये आपका बेटर करियर ऑप्शन आप किसी काम को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छी जगह मिल, मिल जाएगी ओके okay? अर्निंग मोर आप ज़्यादा अर्न करते हो जैसे जैसे आप अपना आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है आजकल तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन्स में क्या होता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पैसे दे जाती हैं वह सैलरी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती हैं ठीक है बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप कितना ये कर सकते हैं सेल्स कर सकते हैं ठीक है और जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा आपको क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा अर्निंग्स होंगे जो आपका एक सैलरी तो फिक्स्ड है ही उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे अर्निंग्स होंगे ऐसा स्त्री होता है ताकि लोग अच्छा बेटर करने की कोशिश करें ओके बूस्ट अप द मोरल ठीक है इस जब आप, आपका जब पर्सनालिटी बहुत अच्छा रहता है आप ट्रेंड रहते हैं आप किसी काम में बहुत अच्छे रहते हैं तो आपका मोरल अपने आप बहुत हाई होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई रहता है तो अगर आपको ट्रेनिंग के जरिए आप क्या हो जाते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया है आप में, आप में बहुत अच्छे से काम को इफेक्टिवली आप किसी काम को टैकल कर रहे हैं तो क्या हो जाता है अपने आप आपका मोरल को मोरल बूस्ट हो जाता है ओके मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ओके अगर अनट्रेन्ड जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी उड काटने वाला जो ट्रेन नहीं है वो उड कट करेगा तो एक तो वेस्टेज होने का पूरा पूरा चांस है ऊपर से उसके हाथ भी कटने का चांसेस तो मतलब एक्सीडेंट होने का भी पूरा पूरा चांसेस रहता है ठीक है क्योंकि ये इम्प्लॉयज़ को बहुत जगह पे तो क्या करना पड़ता है बहुत सारे मशीन्स को टैकल करना पड़ता है ओके तो इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है लेकिन बट आप अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है ट्रेनिंग ले चुके हैं तो क्या होगा एक्सीडेंट होने का कोई चांसेस नहीं होता है ठीक है तो दिस ऑल वी स्टडीड टुडे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और अभी क्या पढ़ा दोनों का इंपॉर्टेंस फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव और कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग देर आर टू मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ओके तो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग